नमस्कार, मैं हूं कनुप्रिया सत्तन और आप देख रहे हैं लाइव टीवी समाचार। आइए, मलावा से अमन अंसारी की रिपोर्ट। शांतिपूर्वक संपन्न हुआ बकरा ईद की नमाज मौलाना रिजवान ने ईदगाह बगदाद में अदा कराई ईद की नमाज। बताते चले कि कोतवाली क्षेत्र मलावा के अंतर्गत बगदाद ईदगाह में हजारों की संख्या में नमाजियों ने बकरा ईद की नमाज अदा की। वहीं मौलाना रिजवान ने नमाजियों से अपील की कि बकरा ईद त्यौहार को शांतिपूर्वक ढंग से मनाएं, किसी मजहब के ऊपर कोई ऐसी टिप्पणी ना करे जिससे मजहब को आहत पहुंचे। इसलिए मेरी अपील है कि त्यौहार शांतिपूर्वक मनाकर एक दूसरे के ऊपर अनावश्यक टिप्पणी ना करे और शासन की मंशा को देखते हुए दिए गए गाइडलाइन को पूरी जिम्मेदारी से पालन करे। वहीं मौलाना ने यह भी कहा कि कुर्बानी कराए तो बंद जगह में अथवा बंद कमरे में, ताकि एक दूसरे के सामने कचरा एवं मलवा गंदा पानी ना जा सके, जिससे आपसी तालमेल बना रहे। इस मौके पर तहसीलदार, बिलग्राम नगर पालिका परिषद अधिशांसी अधिकारी मुकेश कुमार निगम एवं उनकी समस्त टीम प्रभारी निरीक्षक सुनील कुमार सिंह, उप निरीक्षक उमा शंकर यादव एवं भारी संख्या में पुलिस बल की मौजूदगी में अराजक तत्वों के ऊपर पैनी निगाह रखते हुए ईद की नमाज को शांतिपूर्वक सम्पन्न। وسلم تسليما كثيرا الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله والله اكبر الله اكبر ولله الحمد اما بعد فاعلموا ان يومكم هذا يوم عيد شرع لكم ما فيه مع اعمال الكفر قد سبقت في الخطبه قبل هذا العصر ذبح الاضحيه باخلاص وصدق النيه وبين نبيه وصفيه صلى الله عليه وسلم وجوبها وفضائلها का सिलसिला लगातार रहेगा जारी। अगर आप रहना चाहते हैं हर वक्त अपडेटेड, देखते रहिए लाइव टीवी समाचार।